नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं गेट नॉलेज चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक एम्पलीफायर से 3 से 4 आप यूनिट ड्राइवर यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन दोनों बताऊंगा, तो पूरी वीडियो देखिए, आप हर चीज़ समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर 250 वाट का एम्पलीफायर मिल जाएगा, आहूजा कैसेसी 250 एम का। आई बटन में आप जाके इसके बारे में जान सकते हैं। मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसका रिव्यू दिया है, और भी बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर बनाई है जिसमें मैंने स्पीकर का कनेक्शन भी बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो ये 250 वाट का एम्पलीफायर है। अगर आप किसी इसके बारे में और जानना है तो आप जो मेरी दूसरी वीडियो है उनको जाके रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइवर यूनिट। तो दोस्तों, ये है हमारा ड्राइवर यूनिट, ये आहूजा कंपनी का है। मैं इसका मॉडल आपको दिखा देता हूँ। इसका जो मॉडल है आहूजा का AU40XT है। देखिए आप, ये आप देख सकते हैं, ये 40 वाट का ड्राइवर यूनिट है। इसको लाइन यूनिट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 100 वोल्ट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 वोल्ट लाइन बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर आपको सेलेक्टर मिल जाता है कि आप 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट या 40 वाट में सेलेक्ट करके आप आउटपुट अपने हिसाब से चाह सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपको इसके अंदर से 20 वाट का आउटपुट चाहिए, जो साउंड रहता है 20 वाट का, अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप 20 वाट में सेलेक्ट कर दीजिए। जो स्क्रू है ये इसको आप रोटेट कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊँ किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्शन पॉइंट मिल जाता है, जो आपको चाहे, मतलब आप जो भी चाहें वो आप आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हम 3 ड्राइवर यूनिट को कनेक्ट करना सीखेंगे पैरेलली और सीरीज में, किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो गया 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3, ये तीनों को हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों को कनेक्शन जानेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अभी पहले बताता हूँ एक ड्राइवर यूनिट को ऑपरेट करके बताता हूँ किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग तीनों को पैरेलल और सीरीज किस तरीके से करना वो देखेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने एक यूनिट को कनेक्ट किया, मैं किस तरीके से कनेक्ट किया दिखाता हूँ आपको। पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अभी हमने जो वायरिंग है वो कॉम और 100 वोल्ट में दिए, जो वोल्ट लाइन स्ट्रिप है वहाँ पे हमने कनेक्ट किया, जो लाल पट्टी रहता है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट किया। और ऑक्स 2 में हमने इनपुट दिया है, मतलब ऑक्सिलरी इनपुट दिया है जहाँ से मोबाइल कनेक्टेड है हमारा। ठीक, तो इस तरीके से ये वायर कनेक्टेड है और ये सीधा जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमने डायरेक्टली बस एक ही यूनिट को अभी कनेक्ट किया है। अब यूनिट को कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आ रहा है अभी फ़िलहाल। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो आउटपुट आ रहा है वो धीरे धीरे कम होगा जैसे जैसे मैं इसका वाटेज कम करता हूँ। आपको एक स्क्रू लेना होगा और इसको धीरे से रोटेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसको 5 वाट में लेके जाएंगे, अभी ये 40 वाट का। ठीक है, आपने देखा होगा कि आवाज़ बहुत कम हो गया। ठीक है, यही इसका मतलब है, आउटपुट इस तरीके से इसका बाहर आता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने तीनों को अभी पैरेलली कनेक्ट किया, आपको दिखा देता हूँ पैरेलली किस तरीके से कनेक्ट किया। देखिए, जो तीनों के रेड वायर है उसको एक साथ कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वैसे ही जो तीनों के ब्लैक वायर है उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया, और जो ब्लैक जो एम्पलीफायर से आएगा जो ब्लैक वायर उसको आपको इसके ब्लैक वायर में कनेक्ट करना है, और वैसे जो रेड वायर है उसको रेड वायर में कनेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं इसको कनेक्ट करके बजा के दिखाता हूँ कैसा साउंड आता है। तो दोस्तों, इसको हमने एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये जो एम्पलीफायर का वायर है, इसके जो पॉजिटिव जो रेड वायर है उसको रेड के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो ब्लैक वायर है उसको ब्लैक के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग इसको साउंड टेस्ट करके देखते हैं कैसा साउंड आ रहा है, आपको पता लग जाएगा। Thank you.
दोस्तों ये पैरेलल कनेक्शन था, अब आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सीरीज़ कनेक्शन करना है। तो उसको इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमने कनेक्ट किया। ठीक है, रेड वायर को ब्लैक वायर इसके दूसरे यूनिट के, फिर दूसरे यूनिट के रेड वायर को फिर ब्लैक वायर में, ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन करना है। बहुत सिंपली कनेक्टेड किया है हमने इसको। यहाँ पे आपका जो नेगेटिव वायर है जो एम्पलीफायर से है वो कनेक्टेड है, उसके बाद इसका पॉजिटिव वायर से इसके नेगेटिव वायर में कनेक्टेड हो गया है, और वही चीज़ उसके बाद उसके जो पॉजिटिव वायर है उसके बाद दूसरे तीसरे जो यूनिट है उसमें कनेक्ट हो गया है, और फिर ये जो पॉजिटिव वायर एम्पलीफायर का उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको साउंड आपको सुना देता हूँ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।